टू ज्योत्सना जो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज क्रिसमस है तो सुबह से ही हम लोग बिजी है। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया और अपने स्टेयरकेस भी डेकोरेट किया। तो आज हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करने का सोचा है और इसीलिए हम लोगों ने सुबह से ही साफ सफाई की और थोड़ा सा खाना भी बनाया। आज क्रिसमस है तो ऑफिस में तो छुट्टी है, तो हमने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया है घर में, तो हमने थोड़ा सा खाना और स्नैक्स भी रेडी किया है। मोस्टली हमारे फ्रेंड्स तो इंडियन ही है, तो हमने इंडियन खाना ही बनाया है। तो चलिए हम आपको अपना क्रिसमस सेलिब्रेशन दिखाते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको क्रिसमस डेकोरेशन दिखाया था, तो ये देखिए अभी भी ट्री कितना सुंदर लग रहा है। स्पेशली बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा और हमने गिफ्ट्स भी ट्री के नीचे रखा है। ये हमने डॉल लिया था सेजल के लिए, तो सेजल काफी एक्साइटमेंट के साथ अपने फ्रेंड को दिखा रही है। हमारा इवनिंग स्नैक्स ऑलमोस्ट बन गया है और हमारा चाय भी हो गया है, तो अभी हम सबके लिए चाय निकाल रहे हैं। सबको मेरे हाथ का चाय बहुत ही अच्छा लगता है और हमने अपने पुराने वीडियो टी रेसिपी में आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए और एक बार इस तरीके से चाय बनाइए। ये साथ में हम डिजर्ट के लिए खीर भी बना रहे हैं। और ये हमारा नेचो भी बन के तैयार हो गया है और इसकी भी रेसिपी हमने अपने फादर्स डे वाले वीडियो में आपके साथ शेयर की है। ये हमने इटालियन ब्रेड जिसको बगट बोलते हैं उसका स्लाइस करके उसे टोस्ट किया है। ये हैमस के साथ काफी टेस्टी लगता है। और ये नेचो है, ये मिनी शुगर कुकीज है और ये प्रिट्जेल है। ये गायकोमोली है, हैमस एंड टोमेटो केचप है। ये चॉकलेट चिप मफिन है और ये क्रिसमस स्पेशल सेंटा केक है। और ये चीज पिज्जा है। ये सारी चीजें हमने इवनिंग स्नैक्स के लिए रखा है। सभी बच्चे अभी मस्ती में हैं। हमारे एक फ्रेंड जिंजर ब्रेड हाउस लेकर आए हैं, तो अब सारे बच्चे उसी को फिक्स करने में लगे रहेंगे। अब हम केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं और सभी बच्चे काफी खुश हैं केक कटिंग के लिए। केक खाने के बाद फिर से सारे बच्चे जिंजर ब्रेड हाउस में लग गए हैं। ये डिनर में हमने दाल बाटी और लिट्टी चोखा बनाया है। लिट्टी चोखा की रेसिपी हमने अपने पुराने वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। और ये डिजर्ट में खीर है और ये ड्रिंक्स है।
तो हमारा अभी क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो गया है और अभी बस घर क्लीन करना बाकी है। आप देख ही सकते हैं घर कितना गंदा हो गया है। और सेजल तो अभी भी लगी हुई है पेंटिंग करने में। और बच्चों ने ये जिंजर ब्रेड हाउस भी बनाया था तो वो भी सब क्लीन करना है। सेजल को अभी अपना प्रेजेंट भी खोलना है तो वो बोल रही है कि मुझे ये प्रेजेंट अभी ही खोलना है। तो ये सब करते टाइम लगने वाला है। और सुबह हम लोग को जल्दी भी उठना है क्योंकि कल बॉक्सिंग डे है, उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठ के फिर शॉपिंग वॉपिंग भी करने जाना है। ऐसे हमारा ऐसे कुछ लेना तो है नहीं, बट जाकर देखेंगे अगर कुछ ऐसा अच्छा डील मिला तो हम लोग लेंगे। और आजकल तो सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से हो गया, खाना भी बहुत अच्छा बना था, सबने बहुत अच्छे से खाना खाया, सबने बहुत तारीफ की खाने की भी। और तो इसी तरह से हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन आज बहुत ही अच्छा रहा। सेजल, यू वांट टू ओपन योर प्रेजेंट राइट नाउ? ओके, कम। सेजल अब अपना प्रेजेंट ओपन कर रही है। इसके ट्रैक को सेट करने में तो काफी टाइम लगेगा, तब तक सेजल अपना दूसरा प्रेजेंट ओपन कर रही है। ये प्रेजेंट हमने सांता की तरफ से सेजल और गिरीश के लिए लिया था और सेजल तो उसके म्यूजिक के साथ गाने भी लगी। दोनों को ये प्रेजेंट काफी अच्छा लगा। अब सेजल नेक्स्ट प्रेजेंट ओपन कर रही है। ये डॉल सेजल को बहुत अच्छा लगा। अब ये ट्रैक सेट हो चुका है और दोनों मजे से खेल रहे हैं और काफी खुश हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट्स मिलता रहे। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।